साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हर पल बहुत काम आती है। हमारे यहां कहा गया है, समानो मंत्र समिति ही समानी, समान मन सह चित्तम एषाम। यानी हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे हृदय एकजुट होने चाहिए। यही एकजुटता, यही संकल्प भारत को विजयश्री प्राप्त करने में मदद रूप होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे वो एक दिन का जनता कर्फ्यू हो या लंबे समय का लॉकडाउन का समय, या प्रत्येक भारतीय तमाम मुश्किलें उठाकर भी देश के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है, और वो खुद को भी बचाने के लिए काम कर रहा है, देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। भारत जैसा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोगों का देश, लॉकडाउन के समय भारत की जनता ने जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है, गांभीर्य दिखाया है, यह अभूतपूर्व है। हम भारत के कोटि कोटि जनों का जितना नमन करें उतना कम है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने विशाल देश में लोग इस तरह अनुशासन और सेवा भाव का पालन करेंगे। साथियों, कल भी हमने देखा, रात को 9 बजे हम सब ने अनुभव किया है, 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति के उस एक विराट रूप के हमने दर्शन किए, अनुभूति की है। हर वर्ग, हर आयु के लोग, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर का हो, गांव का हो, सभी ने मिलकर एकजुटता की इस ताकत को, उसका साक्षात्कार किया, उसका वंदन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया, और जो मूल भाव था, मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में, मैं अकेला नहीं हूं, भले घर में बैठा हूं लेकिन पूरा देश लड़ रहा है, इस चीज को कल लोगों ने एहसास फिर से एक बार किया है, और यही तो लड़ने में नई ताकत देता है। आपने खुद महसूस किया होगा, गांव देहात से लेकर के बड़े शहरों तक असंख्य दियों ने, प्रकाश ने कोरोना संकट के अंधेरे को, उस हताश निराशा को दूर करने में, एक एक नागरिक का हौसला बुलंद करने में मदद की है। 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश ने देशवासियों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है, और ये मैं समझदारी के साथ कहता हूं, ये लंबी लड़ाई है, न थकना है न हारना है, लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है, और संकल्प भी एक ही है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजय, लड़ाई में जीत हमारे तो संस्कार है, हमारे खून में, हमारे रगों में है। हमें तो एक ही मंत्र सिखाया गया है, दल से बड़ा देश है, और देश का मतलब है 130 करोड़ मेरे देशवासी। पूरी मानव जात के लिए भी 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी की रक्षा, उनका कल्याण, मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है। और इसलिए देश के लिए इस कठिन घड़ी में
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर राष्ट्र सेवा और मानव सेवा का दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।